इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में समझेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसको साइक्लो इन्वर्टर और सीसीबी कन्वर्टर भी बोलते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है कॉन्स्टेंट ए वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को अनदर ए सी में कन्वर्ट करना साइक्लो कन्वर्टर मेनली दो टाइप का होता है ब्लॉकिंग मोड साइक्लो कन्वर्टर एंड सर्कुलेटिंग करेंट साइक्लो कन्वर्टर सर्कुलेटिंग करेंट साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप का होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कैन प्रोवाइड एन आउटपुट हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग लाइन कम्यूटेशन यहाँ पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट में स्प्लिट रहता है अपर पार्ट के साथ दो थाईरेस्टर एंटी पैरल में कनेक्ट रहता है दैट इज पी वन एंड एन वन जहाँ पर पी वन पॉजिटिव ग्रुप का थारेस्ट रहता था, है एंड एन वन नेगेटिव ग्रुप का रह था रहता है एंड लोअर पार्ट के साथ दो थाईरेस्टर एंटी पैरल में कनेक्ट रहता है दैट इज पी टू एंड एन टू एंड यहाँ पर भी पी टू जो है वो पॉजिटिव ग्रुप का रहता है एंड जो एन टू है वो निगेटिव ग्रुप का रहता है एंड मिड पॉइंट पर लोड कनेक्ट रहता है इनपुट पर एसी सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज भी एस एंड एज यू कैन सी इन द ग्राफ यह वेव पॉजिटिव साइकिल को शो कर रहा है एंड डोटेड वेव जो है वो निगेटिव साइकिल को शो कर रहा है हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को देख रहे हैं तो इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनपुट से ग्रेटर होगी पॉजिटिव साइकिल जीरो से पाई डिग्री तक रहता है एंड पाई से टू पाई तक निगेटिव साइकिल रहती है एंड अगेन पॉजिटिव साइकिल आती है जब सोर्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो इस टाइम थायरेस्टर पी वन एंड थायरेस्टर एन टू कंडक्ट करता है इस टाइम करेंट की डायरेक्शन इस तरह होती है पॉइंट ए से थायरेस्टर पी वन में जाती है एंड पी वन से लोड पर जाती है इस टाइम हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल्सो यहाँ पे लोड के जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव में होता है इसलिए P1 का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव इन्वेलप में बनता है एंड इस पॉइंट को ओमेगा T1 से रिप्रजेंट करेंगे इस पॉइंट के बाद P1 ऑफ हो जाएगा ड्यू टू पोस्ट कम्यूटेशन एंड N2 कंडक्ट करेगा P1 एंड N2 दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करता है लाइक like, इस पॉइंट तक P1 वन ऑपरेट हो रहा था एंड नाउ N2 टू ऑपरेट होगा नाउ करेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी क्योंकि पोलरिटी चेंज हो रहा है सो नाउ करेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी वो पॉइंट ओ से लोड में जाती है एंड लोड से N2 में जाएगी एंड N2 से पॉइंट बी में जाएगी सिंस N2 जो है वो निगेटिव ग्रुप का थारिस्टर है इस टाइम पर आउटपुट वोल्टेज निगेटिव होगा इसलिए इसका जो ग्राफ है निगेटिव में बनेगा एंड इस डायरेक्शन को ओमेगा टी टू से रिप्रजेंट करेंगे एंड पॉजिटिव साइकिल में ही अगेन पी वन कंडक्ट करेगा एंड एन टू ऑफ हो जाएगा पी वन थास्टर पॉजिटिव ग्रुप का है सो इसका ग्राफ ऊपर बनेगा एंड इस ड्यूरेशन को ओमेगा टी थ्री बोलेंगे देन एन टू कंडक्ट करेगा देन पी वन कंडक्ट करेगा मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पी वन एंड एन टू थायरेस्टर कंडक्ट करेगा जीरो से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है एंड पाई से टू पाई तक निगेटिव हाफ साइकिल रहता है ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल था एन वन एंड पी टू कंडक्ट करता है इस टाइम करेंट के डायरेक्शन इस तरह होती है वो पॉइंट बी से थायरस्टर पी टू में जाती है एंड पी टू से लोड में जाती है इस टाइम आउटपुट वोल्टेज अगेन पॉजिटिव में है इसलिए इसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव इन्वेलप में रहेगा जो कि थारेस्टर पी के कंडक्ट करने के कारण बन रहा है इस पॉइंट के बाद निगेटिव साइकिल में ही पोलरिटी चेंज होती है एंड एन वन कंडक्ट करता है एंड इस टाइम पी टू कंडक्ट नहीं करता है वो ऑफ हो जाता है ड्यू टू फोस्ट कम्यूटेशन एंड जब एन वन कंडक्ट करेगा तो उस टाइम करेंट की डायरेक्शन इस तरह होती है पॉइंट ओ से करंट लोड में जाएगी एंड लोड से थायरेस्टर एन वन में जाती है एंड एन वन कंडक्ट करता है यहाँ पर निगेटिव साइकिल में ही पहले पी टू कंडक्ट कर रहा था जो कि फोस्ट कम्यूटेशन के कारण ऑफ हो जाता है एंड देन एन वन कंडक्ट करता है इस टाइम पर आउटपुट वोल्टेज भी नोट जो है वो निगेटिव में रहता है इसलिए इसका जो क्राफ है वो निगेटिव इनवेलप में रहता है ड्यू टू कंडक्शन ऑफ एन वन इसके बाद अगेन पी टू कंडक्ट करेगा देन एन वन कंडक्ट करेगा मतलब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल थायरेस्टर एन वन एंड पी टू कंडक्ट करता है एंड इसका जो ग्राफ है वो डेवलप होता है एंड अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सर्किट फिर से फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल की तरह भी हैप करेगा थैरेस्टर पी वन एंड एन टू कंडक्ट करेगा एंड ग्राफ फ्लोट होता है स्टेप स्टेपअप साइक्लो कन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है को इनपुट फ्रिक्वेंसी को इनक्रीज करता है देर आर मैनी डिफ्रेंसेज बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोस्ट कम्युनिटेशन लाइक जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो ए सी सर्किट में अप्लाई होता है जबकि फोर्ट कम्यूटेशन है वो डी सी सर्किट में अप्लाई होता है नेचुरल कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है जबकि फोर्स्ट कम्युनसन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसीटेंस इसका यूज ए सी वोल्टेज कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायरस में किया जाता है जबकि फोस्ट कम्यूटेशन का यूज़ इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में किया जाता है नेचुरल कम्यूटेशन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द था जबकि फोस्ट कम्यूटेशन में वोल्टेज एंड करेंट दोनों के हेल्प से थाई को टर्न ऑफ करते हैं नेचुरल कम्यूटेशन में कम्यूटेटिंग पीरियड के टाइम पावर लॉस नहीं होता है जबकि फोस्ट कम्यूटेशन में पावर का लॉस होता है एस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है बट यहाँ पे इसका कुछ बेसिक्स हम लोग समझते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो एक टाइप का यूनी डायरेक्शनल सेमी डिवाइस होता है एस थ्री टर्मिनल एंड फोर लेयर से मिलकर hmm. कंसिस्ट होता है hmm. इसके गेट टर्मिनल पर जब हम लोग कुछ एंगल से जब गेट पल सप्लाई करते हैं तो जो एस सी है वो टर्न ऑन हो जाता है मतलब तो इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगती है बट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो ए है वो कंडक्ट करता है जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडक्ट नहीं करता वो रिवर्स वाइस कंडीशन में आ जाता है इसलिए इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल सेमी कंडक्टर डिवाइस बोलते हैं तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें